ये हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उभरते हुए यंग सिंगर शाश्वत पांडे, जो अपने हुनर से इन दिनों युवाओं के दिल की धड़कन बनते जा रहे हैं। जानूना जानूना इस गाने से शोहरत पाने वाले शाश्वत जितना खूबसूरत गाते हैं, उतना ही शानदार गिटार बजाते हैं और पियानो पर भी अपनी उंगलियों से जादू बिखेर देते हैं। हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। शाश्वत ने संगीत की शुरुआती शिक्षा भोपाल से ली। इसके बाद वो बेंगलुरु में अपने गुरु उत्कर्ष साठे के पास चले गए। लकी था जो मैं उनसे सीख पाया। उनका नाम है श्री उत्कर्ष साठे जी, वो मेरी गुरु हैं और उन्होंने उनसे जो मैंने सीखा है वो मतलब प्राइसलेस है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो मेरे को, उनने कहाँ से कहाँ मेरी आवाज़ को पहुँचाया। सो आई एम ग्लैड, उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया मेरी आवाज़ में। शाश्वत मानते हैं कि संगीत सुनने में जितना मीठा लगता है उसकी साधना उतनी ही कठिन है। लक्ष्य हासिल करने के लिए डिसिप्लिन और धैर्य बहुत जरूरी है। एक दो डिसिप्लिन जो आपको लाइफ में फॉलो करने चाहिए, जैसे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ता है, चाहे आप जो भी कर रहे हो, आप कभी भी सो रहे हो उठ रहे हो, बट आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। शाश्वत अपनी सफलता के पीछे परिवार को श्रेय देते हैं। उनका कहना है कि माँ और पिता के सहयोग के बिना ये सफर आसान नहीं था। शाश्वत ने दोस्तों को भी इसका क्रेडिट दिया। जब मैं स्कूल में था तब मुझे मेरे मम्मी पापा ने इतना इनकरेज किया म्यूजिक के लिए कि ये सीखो, क्लासिकल सीखो, अच्छे अच्छी चीज़ें सुनो, और तब मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि क्लासिकल आपको क्लासिकल के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, सीखने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता। पर धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत इंकरेज किया, अभी तक साथ देते हैं वो। तो हम सबका शायद सपना यही था कि मैं आज जो कर रहा हूँ वो कर पाऊँ, तो मेरे घर वालों ने हमेशा से यही चाहा। कवि कुंवर नारायण की एक कविता है, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये पंक्तियाँ शाश्वत के जीवन में भी शाश्वत सिद्ध होती हैं। द सूत्र की ओर से इस उभरते कलाकार को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं।